हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार दिलीप पाडवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हमको वेल्दाटाकी गांव के आगे से जो दोस्तों हमको कॉल आया था कि वहां पर कोई खेत में सांप दिखाई गया है इसे, तो दोस्तों हम तो वहां पर जा रहे हैं दोस्तों, और आपको बताएंगे कि दोस्तों सांप जहरीला है या बिना जहरीला, वो भी बताएँगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सांप यहीं पर दिखाई गया था। तो दोस्तों, ये सभी लकड़ियां है जिसको हमको सबको हटाना पड़ेगा, तो दोस्तों तभी हमको सांप दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, इतनी सारी लकड़ियाँ हटाने के बाद भी हमको सांप तो नहीं दिखा, तो दोस्तों सांप भाग गया या किधर कोने में जाकर छुपा है, तो हम देखते हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों सांप हमको तो दिख गया है, आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ आकर वो चुप कर बैठा है दोस्तों। तो चलिए इसको हम जल्दी से बाहर निकालते हैं दोस्तों, और इस सांप के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी भी देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस सांप को हमारा दिलीप भाई ने तो रेस्क्यू कर लिया है, तो दोस्तों इसको हम जल्दी से बाहर लेकर जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस सांप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो दोस्तों, ये धामन सांप है दोस्तों, ये बिना जहरीला होता है, और दोस्तों इस सांप से कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। अक्सर ऐसे सांप चूहे, मेंढक और ऐसे जीव जंतुओं को खाने के लिए वो अपने बिल से बाहर निकलते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसा सांप दिखे दोस्तों, उसे मारना मत। और दोस्तों, आपके घर के पास कोई भी सांप दिखे तो आप हमें या आपके गांव के पास कोई भी सांपों को रेस्क्यू करने वाला होगा, आप उसे कॉल कर सकते हो दोस्तों, वो आकर इसे सांपों को रेस्क्यू करके बहुत दूर जंगल में रिलीज कर देगा दोस्तों।
और दोस्तों इस दामन सांप ने चूहे मेंढक ऐसे जीव जंतुओं को खाया था, इसलिए वो एक ही जगह पर चुप कर बैठा था दोस्तों, नहीं तो ये सांप कब से वो निकल जाता दोस्तों यहाँ से। देखिए दोस्तों, हमने दामन सांप को वेल्दा टाके गांव के आगे से जो रेस्क्यू करके लाए थे उसको हम यहाँ जंगल में रिलीज कर रहे हैं दोस्तों।